दोस्तों जब भी जानवर गुस्से में आते हैं तो ये एक तबाही का मंजर खड़ा कर देते हैं, और जब इन्हें कोई परेशान करता है तो ये और भी ज़्यादा तबाही ला देते हैं। और आज हम भी आपको जानवरों के कुछ ऐसे ही वाक्या दिखाने वाले हैं जहाँ पर लोग जानवरों के गुस्से का शिकार बने। तो चलिए फिर देर ना करते हुए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इस वीडियो के अंदर बीच सड़क के ऊपर दो सांड लड़ रहे होते हैं, और इसी लड़ाई के दौरान एक रिक्शे वाले को पता नहीं क्या सोचता है और वो अपना रिक्शा लेकर ही इन दोनों सांडों के ऊपर हमला कर देता है ताकि लड़ाई करना बंद कर दे। लेकिन इसका ये तरीका वाकई में गलत था, और इसी वजह से इसको इस हरकत की वजह से इसका परिणाम मात्र कुछ ही देर में मिल जाता है, और एक सांड गुस्से में आकर इसके रिक्शा को पलट देता है, जिसके बाद यहाँ पर मौजूद लोग जैसे तैसे करके रिक्शा को वापस सीधा करते हैं। लेकिन जो भी हो, इस तरह जानवरों के ऊपर रिक्शा से हमला करना कहाँ तक सही है, आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताना। एक सांड का खौफ साफ साफ आप इस वीडियो के अंदर भी देख सकते हैं, जहाँ पर चार लोग एक सांड से बुरी तरह डरे हुए हैं, और इसी वजह से ये अपनी जान बचाने के लिए इस पोल के ऊपर चढ़कर बैठे हैं, क्योंकि जो ये नीचे उतरेंगे तो ये सांड इनके ऊपर हमला कर देगा, और इसी वजह से ये बेचारे अपनी जान बचाने के लिए इस पोल के ऊपर चढ़कर बैठे हैं। अगले वीडियो के अंदर जब ये दो लड़के रेलवे फाटक के ऊपर खड़े होते हैं, तभी वहाँ पर एक घोड़ा गाड़ी सहित दौड़ता हुआ आता है और इनके नज़दीक से होकर निकल जाता है। अगर यहाँ पर ये लड़की एक सेकंड की भी देरी कर देती और साइड नहीं हटती तो घोड़ा गाड़ी से इनको भी चोट आ सकती थी। लेकिन जो भी हो, यहाँ पर ये दोनों पूरी तरह सेफ है। लेकिन इस घोड़े की स्पीड देखकर आपको नहीं लगता कि इसकी स्पीड तो ट्रेन से भी ज़्यादा थी। यहाँ पर ये गुस्सायांश इस आदमी के ऊपर टूट पड़ता है और बेचारे के ऊपर हमला करने लगता है, जिसकी वजह से ये आदमी भी परेशान हो जाता है और इससे बचने की कोशिशें करने लगता है। लेकिन जब इससे बात बनती हुई नहीं दिखाई देती है तो ये बेचारा यहाँ से भागने में अपनी भलाई समझता है, क्योंकि ये हंस तो इसका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। ये दो लोग इस तालाब के अंदर मछली पकड़ने आए थे, और इसी दौरान ये इसके अंदर जाल भी फेंकते हैं और इसके जाल के अंदर कुछ फंसता भी है। लेकिन जब ये लोग उसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं तो इनके जाल के अंदर कोई मछली नहीं बल्कि एक बड़ा सा मगरमच्छ फंस गया था, जिसे देखकर इन दोनों के रिएक्शन कुछ ऐसे होते हैं। अगले सीसीटीवी फुटेज के अंदर आप देख सकते हैं कि एक तेंदुआ सातिराना अंदाज में कुछ सो रहे कुत्तों के पास में आता है और इतनी तेजी और फुर्ती के साथ एक कुत्ते के ऊपर हमला करता है कि बेचारा बच नहीं पाता है और इसका शिकार हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि जब ये तेंदुआ इसके ऊपर हमला कर रहा होता है, इस दौरान ये कोई भी गलती नहीं करता है और धीरे धीरे करके उस कुत्ते के नज़दीक जाता है और फिर अचानक हमला करता है। भाई ये जंगल से आए शेर राजा इस घर की तलाशी लेने के लिए इन सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहे हैं, या फिर कुछ और मसला है ये बात तो यही जानते हैं। लेकिन ये वीडियो देखने में खतरनाक कम और फनी ज्यादा लग रहा है, क्योंकि ऐसा शायद ही आपने पहले कभी देखा होगा। जल्दी वहां से हटो। यह कुत्ता भी जंगल की ओर वापस लौट रहे शेर के ऊपर भौंकने लगता है और उसके पीछे दौड़ लगाता है, जिसकी वजह से जा रहे शेर का भी माथा सटक जाता है और वो वापस इसकी ओर दौड़ लगाकर इसकी ओर झपट्टा भी मारता है। लेकिन यहाँ पर इस कुत्ते की किस्मत अच्छी थी, जिसकी वजह से वो शेर वापस लौट जाता है, क्योंकि यहाँ पर कई सारे लोग मौजूद थे, वरना आज इस कुत्ते की जान जानी तो तय थी। जंगल से निकलकर एक लकड़बगा रिहायशी इलाके के अंदर पहुंच जाता है, और इसी दौरान इसकी चपेट में एक आदमी आ जाता है, जिसके ऊपर ये लकड़बगा बुरी तरह हमला कर देता है। हालांकि वो आदमी इससे बचने का पूरा प्रयास करता है, लेकिन वो इसके शिकंजे में आ ही जाता है। लेकिन फिर भी इसके लिए गनीमत की बात यह रहती है कि ये लकड़बग्गा इससे जान से नहीं मारता है और घायल करने के बाद इसे छोड़ देता है और यहाँ से भाग जाता है, जिसके चलते इस बेचारे की जान तो बच जाती है।
यहाँ पर घर के आंगन में एक मादा भालू अपने बच्चों के साथ पहुंच जाती है और घर में इधर उधर घूमने लगती है। लेकिन यहाँ पर भी गनीमत की बात यह रहती है कि मात्र कुछ देर तक यहाँ पर रुकने के बाद ये यहाँ से चली जाती है। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक जरूर करना और इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट भी कमेंट कर देना। हम जल्दी इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर हाजिर होंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।